और उपस्थित सभी मंच पर हमारे राम मोहन जी, सभी उपस्थित साथी बंधुओं और नगर से उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं और आस पास के गांव से पधारे हुए सभी हमारे किसान भाइयों, साथियों, युवा साथियों, बहनों, आज बड़े हर्ष की बात है कि आप सब लोगों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के मतदान से भारतीय जनता पार्टी ने सुनी मालवा में फिर से विजय पताका फहराई है। साथियों, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका आशीर्वाद बहुत ही अभूतपूर्व है। हमने प्रचंड बहुमत से, 12,000 के बहुमत से सिवनी मालवा विधानसभा को विजयी बनाया है। आप ये समझ लीजिए, क्योंकि मेहनत आपने की है, परिश्रम आपने किया है, सहयोग आपने दिया है, इसलिए मैं ये मानता हूँ कि सचमुच में इस जीत के दावेदार तो आप सब लोग हो। ये मान के चलना कि विधानसभा का विधायक मैंने हूँ, आप सब हो, और आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से हम सुनी मालवा में विगत 15 सालों से जो विकास की गति तेजी से आगे बढ़ रही है, सुनी मालवा को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाया है, इस गति को हम बरकरार रखेंगे और फिर सुनी मालवा और सुनी मालवा क्षेत्र के गांव को तेज गति से विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाएंगे। साथियों, आप सब लोगों का प्रेम आशीर्वाद मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा, ये ऋण मैं कभी उतार नहीं पाऊंगा। हाँ, इतना जरूर मैं कहता हूँ कि आपने मुझ में जो विश्वास व्यक्त किया है, मुझको जो आशीर्वाद दिया है, मैं 5 साल तक सतत आपकी सेवा करता रहूंगा। जितनी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ मेरे क्षेत्र की जनता को, नगर के निवासियों को, गांव के निवासियों को, सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिले, मेरे प्रयास हमेशा हमेशा शहर के हमारे सभी, हमारे व्यापारी भाई, हमारे सभी दुकानदार भाई, हमारे सभी किसान भाई, हमारे सभी मजदूर भाई, मैं उनको आश्वस्त करना कर देना चाहता हूँ कि आप सुनी मालवा में निडर होकर अपना कार्य करें, अपना व्यवसाय करें, कोई आपको यहाँ डराने धमकाने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर थाने की राजनीति करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पर घोर कपट की राजनीति करने वाला नहीं है, कोई सुनी मालवा में गुंडागर्दी कर नहीं सकता। आप सब अपना अपना व्यवसाय प्रेम पूर्वक पूरे पूर्ण शांति के साथ अपना व्यवसाय धंधा करें और विकास की राह में तेजी से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। आप बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।